रेवा नाराज होने का हक अपनों को ही होता है. हम नाराज किससे होते हैं? जैसे प्यार करते हैं उसी से ना. मनु की बात का बुरा मत मानो तुम ना. तुम तो जानती हो वो टेंशन में कुछ भी बोल देता है ना. दरअसल इतने दिनों से वो हम दोनों को लेकर बहुत टेंस था और आज शायद अचानक बरस पड़ा. इतनी सारी टेंशन में कोई इंसान रैशनल होकर कैसे सोच सकता है? शायद मैं ही हूं जो परेशानियों के कारण अब मुश्किलों से नहीं डरती बल्कि अंदर से और स्ट्रांग हो जाती हूँ. मैं मुश्किलों को एक चैलेंज की तरह देखती हूँ. रेवा, मुश्किलों से डरेंगे ना तो वो और खतरनाक हो जाती हैं. मेरे ख्याल से तुम्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए क्योंकि कमजोरी में ना दूसरे लोग हमारा फायदा उठाते हैं. तुम्हारी शायद इसी वल्नरेबिलिटी का वसुंधरा ने फायदा उठाया है. तुम्हारे दिल और दिमाग को जहर से भर दिया है उसने. शायद तुम ठीक कह रही हो मंजू. मुश्किलों का सामना करना ही ठीक होता है. I'm sorry, मैम. नहीं नहीं, अब सॉरी नहीं बोलना. हाँ, एक्चुअली गलती हम दोनों की थी तो सॉरी नहीं. हाँ, इट्स सो फनी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे हम दोनों किसी किटी में बैठकर पुराने दिनों की तरह बातें कर रहे हैं. बिल्कुल पुराने दिनों की तरह. वो दिन भी लौट आएंगे. फिलहाल मुझे लौटना है अपने घर. तुम्हें नहीं मंजू, मुझे. तुम तो लौट आई हो.